ड्राइव करोगे तो भी ये चलेगा, और ड्राइव की स्पीड आप जो भी रखोगे नो प्रॉब्लम ये चलेगा ही चलेगा। ओके, सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा बट अनदर यूजफुल वीडियो, बिकॉज अगर आपके पास गाड़ी है एंड उस पे अगर डिस्प्ले है तो आप उस पे वीडियो क्यों नहीं चला सकते। बिकॉज इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं एंड उस वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थी कि उस पे वीडियो नहीं चल रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज वो जो ट्रिक थी वो थोड़ी सी लंदी थी। बट ये जो नई ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही शॉर्ट है एंड इसमें गारंटी, आपके पास कोई भी गाड़ी हो, मैं हुंडई वेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी गाड़ी हो उसमें अगर डिस्प्ले है एंड एसडी डिस्प्ले है तो आप क्यों उसमें वीडियो नहीं चला सकते हैं। तो वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं एंड डायरेक्ट चलते हैं कि हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें तो ऑलरेडी चलता ही है एंड ये मेरा फोन है, ये मेरे पापा का है एंड इस पे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें बस इसमें एक बार मैंने एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यूएसबी हमने कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होगा यूएसबी एसएसडी कनेक्टेड। इसका मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसका इंटरफेस आएगा एंड डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले में आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सेटिंग, व्हाट्सएप वगैरह ये सब तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी में रहती है। तो हम शुरू करेंगे अपना काम कि हमें क्या कुछ करना है। तो भाई मेरा फोन मेरे हाथ में है एंड ये है मेरे पापा का फोन एंड इसमें अपन डायरेक्ट जाएंगे गूगल क्रोम में एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे GTI HUB Android AU Android Auto APK। इसको सर्च करेंगे अपन तो अपन सीधे कुछ ऐसा इंटरफेस अपने को देखने को मिलेगा। तो एक सेकंड, ठीक है, जो सबसे ऊपर आएगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे, अरे ब्लर क्यों हो रहा दोस्त, तो जो सबसे ऊपर आएगा इसमें अपन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो स्टोर, यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखेगा, ये हिंदी इंग्लिश बार बार पापा के में हो रहा है यार, कोई बात नहीं, इसको अपन यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जब अपन डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड्स पे जाएंगे तो अपने को कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अपन इसको टच करेंगे, यहाँ पे क्रोम की सेटिंग आएगी, अननोन सोर्स वाला ऑप्शन आएगा पक्का, ये आया, अपन ऐसे किए एंड अपन यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बस इसमें इतना ही करना है, बाकी उस वाले में ठीक है बहुत ज़्यादा दिक्कत थी एंड दो तीन ऑप्शन करने पड़ते थे। अब यहाँ पे आपको जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ होने में थोड़ी सी टाइम तो भाई गर्मी कार के अंदर बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार ट्यूब, कार कंट्रोल, ये दो चीज़ आपको, ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेगा। अपन पहले करेंगे कार ट्यूब को इंस्टॉल, एक बज के दो मिनट, तो ये कार ट्यूब इंस्टॉल हो रहा है। हो जा ओके, ये हुआ अननोन सोर्स वाला ऑप्शन, फिर से अपन जाएंगे बैक, कार ट्यूब इंस्टॉल, ये हो गया डन, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो एक और उसके नीचे था ना, कहाँ गया, फिर से इसको अपन ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें अपन को दो बार करना है, दो चीज़ इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपन को, देन उसके बाद कोई इशू नहीं, सीधे धनाधन काम करना चालू हो जाएगा। कार ट्यूब कंट्रोलर इसको भी अपन इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है जो वेबसाइट का जो पोर्टल, मतलब कि वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो थोड़ी बहुत चेंज होता रहता है, तो आपको डाउनलोड अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। ये अपना काम फुर्सत हो गया, ठीक है। तो अपन यहां से करेंगे, इसको एक बार ओपन करके देख लेते क्या होता है, खैर कुछ नहीं होगा मुझे पता है। इसको अपन पूरा बैक कर देंगे, ये हम लगा देंगे इसमें यूएसबी, यहाँ पे इसको सेट करें तब ना भाई, एक हाथ से फोन पकड़ेंगे एक हाथ से ये करेंगे तो कैसे होगा।
इस पे हम लगा दिए USB, ठीक है। तो हमने इस पे USB लगा दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे USB एसेसरीज कंट्रोल्ड, और ये पूरा इसको आप चुपचाप रख दो। अब आते हैं गाड़ी पे, गाड़ी में सीधे अपन चाबी लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करने से पहले इसमें चाबी लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बाद में भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी आया। हाँ, अब इस पे देखिए, अभी तो इस पे डायरेक्ट आ गया, अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ये कार ट्यूब, ठीक है। इस पे अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को, ड्राइव केयरफुली एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द रोड, व्यूइंग द स्क्रीन व्हाइल द व्हीकल इज रनिंग कुड कॉज सीरियस, जो भी हो, फलाना ढिमका जो भी हो, ठीक है। तो इसमें अपन कंफर्म करेंगे एंड उसके बाद टड़ा, उसके बाद आपका इसमें चालू हो जाएगा YouTube। भाई उसका नेट थोड़ी स्लो है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही चलता है। आप इस पे म्यूजिक देखना चाहो तो म्यूजिक देख सकते हो, या म्यूजिक वीडियो देखना चाहो तो म्यूजिक वीडियो भी देख सकते हो। नेट यार इसका बहुत स्लो है यार, क्या बताऊं। चल जा भाई, काई बेइज्जती करा रहा है एयरटेल। तो सुना था भाई, मैं कुछ और लगा देता हूँ, इसमें मजा नहीं आएगा हमको भी। इस पे आप राता लंबिया भाई, एक अच्छी बात है इसमें कि इसमें जो वीडियो की क्लैरिटी है ना वो बहुत शानदार चलती है। चेंज करते हैं लाइव म्यूजिक, जो भी आपको देखना हो इसमें आप सब कुछ देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रही बात शॉर्ट्स की, तो आप यहाँ से शॉर्ट्स देख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको पसंद है आप उसको सर्च करो एंड यहाँ पे देखना आप चालू कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, और एक चीज़ और गाइस, कि इसमें लोग कहते हैं कि हैंड ब्रेक लगा दो तो ये नहीं चलता है, देख लीजिए हैंड ब्रेक पूरा ऊपर है, नीचे कर देता हूँ फिर भी ये चल रहा है, ठीक है। इसको अपन ऊपर कर दे रहे हैं फिर भी ये चल रहा है, आप ड्राइव करोगे तो भी ये चलेगा, और ड्राइव की स्पीड आप जो भी रखोगे नो प्रॉब्लम, ये चलेगा ही चलेगा, ओके। तो भाई ये हालत हो जाती है वीडियो बनाते बनाते एंड पूरा का पूरी की पूरी बॉडी एंड गाड़ी बंद है, गाड़ी के एसी की अगर चालू करते तो उसके ब्लोवर से आपको आवाज आती है, तो ऐसा पसीना निकलता है। तो एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप ट्रिक पसंद आती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर पिछला जो वीडियो है, अगर इससे नहीं होता जो पिछला मैंने वीडियो डाला है उससे हो जाएगा, अगर उससे नहीं होता तो इससे हो जाएगा। तो आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसको जाके चैनल को देख लेना, और स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, आप स्किप करके देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो अगर ये सब स्टेप बाय स्टेप करने पे भी आपके में नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार अपना डिवाइस चेंज करके, मतलब मोबाइल चेंज करके जरूर देख लीजिएगा। एंड अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, वहां पे जो भी जैसा होगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो वहां से आपको इजिली हो जाएगा, तो उसके लिए आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।